नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बीदी। कोटा से जो पिछले दिनों में खबरें सामने आ रही थी वो आपके बच्चों के लिए डराने वाली थी और सभी उन पेरेंट्स के लिए डराने वाली थी जिनके बच्चे कोटा में कोचिंग करने के लिए रह रहे हैं या फिर वहाँ पर पढ़ रहे हैं। किसी भी अगर आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करने के लिए वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। दरअसल अब ये खबर सामने आई है, राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कि इस कमेटी को ये पता करना था कि आखिरकार बच्चे जो है वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या बड़ी वजह है जिसके बाद हमने देखा एक के बाद इसी साल का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 27 छात्रों ने इसी साल सुसाइड किया है। कई स्थितियां यहां तक आ गई थी कि कोटा में कहा गया था कि जो तमाम हॉस्टल्स हैं वहाँ पर कमरे में पंखे नहीं हों, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिससे बच्चा या फिर कोई भी हैंगिंग वाली पोजीशन में आ सके। और दूसरा ये भी कहा जा रहा था कि लगभग एक महीने तक जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो टेस्ट ना कराएं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार बच्चे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों आ रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों है जिससे वो सीधे मौत को गले लगा ले रहे हैं। कोटा में बेहतर करियर एक तरह से देखा जाए, सपने जो हैं वो क्यों दम तोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल था। राजस्थान सरकार ने इस समस्या को निपटने के लिए एक कमेटी का गठन किया था जिसको लेकर रिपोर्ट आ गई है। 6 पॉइंट्स इस कमेटी ने रखे हैं। नंबर एक है प्रतियोगी परीक्षा में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होना, सफलता की सीमित संभावना, कम लिमिट्स है क्योंकि आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में टॉप वन पर रहना है, टॉप टू पर रहना है तो बहुत लिमिटेड ही एक तरह से ये कहा जा सकता है कि संभावना है। सिलेबस और टेस्ट पेपर ज़्यादा कठिन होना, हमने देखा है कि आजकल के जो टेस्ट पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और यही वजह है कि कोचिंग संस्थानों के छात्रों में उतना ज़्यादा मानसिक दबाव और निराशा जो है वो रहती है क्योंकि डिफिकल्ट अगर टेस्ट पेपर होगा तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस का लेवल भी गिरेगा। बच्चों की योग्यता, रुचि व क्षमता से अधिक उन पर पढ़ाई का बोझ, अभिभावकों की तरफ से भी मैं इस बात को हमेशा कहती रही हूँ कि जो तमाम अभिभावक हैं, जो तमाम पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों से बात करें वो क्या करना चाहते हैं ये जानना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वजह इसके कि वो अपने बच्चे को क्या कराना चाहते हैं और उनसे बात करने की ज़रूरत है। बात बात पर अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या कोचिंग में कुछ प्रॉब्लम है, पेपर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और या उस तरह का परफॉर्म वो नहीं कर पा रहे हैं तो उन पर प्रेशर बनाने की बजाय उन्हें ये कहने की ज़रूरत है कि तुम वो करो जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह की संभावनाएँ जो हैं वो वैसे ही कम हो जाएंगी। कम उम्र में व्यवहार में बदलाव, परिवार से दूर रहना, हमने देखा है कि 12th के बाद ही अगर बच्चे कोटा या फिर किसी भी कोचिंग के लिए बाहर चले जाते हैं तो एक तरह से हमने देखा है कि वो फैमिली वाला एटमॉस्फेयर उन्हें नहीं मिल पाता तो वो अपने आप में थोड़ा सा खो जाते हैं या फिर लोनली उनको फील होने लग जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है पेरेंट्स से दूर होना। असेसमेंट टेस्ट का ज़्यादा उनका रिजल्ट सार्वजनिक करना, छात्रों पर टिप्पणी करना और परिणाम के आधार पर कोचिंग संस्थानों द्वारा बैच का सेग्रीगेशन करना। जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं उनका परिणाम जाहिर सी बात है सार्वजनिक तौर पर ही पूरे कोचिंग में बताया जाता है, इससे और ज़्यादा बच्चे जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि सबके सामने ये चीज़ खुलेगी तो एक मेरे लिए एक माइंडसेट लोगों के, उन बच्चों के, उन फ्रेंड्स के दिमाग में सेट हो जाएगा कि भाई इसको तो इतनी नॉलेज नहीं है, इससे भी कहीं ना कहीं बच्चे डरते हैं और फिर वो इस तरह की कदम उठाते हैं सुसाइड करने जैसा। कोचिंग संस्थानों को बहुत बिजी शेड्यूल और बड़ा सिलेबस, बिजी शेड्यूल, सुबह भी क्लासेस है, दोपहर को भी क्लास है, रात को भी क्लास है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा एक रेस्ट वाला माहौल और जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अगर आप डालेंगे तो फिर प्रेशर डेवलप होगा और वो प्रेशर आपको कहीं और ले जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी तो। छुट्टियों का ना होना, मोनोटोनस माहौल और सह शैक्षणिक गतिविधियों का अभाव, छुट्टियाँ ना होना, मैंने देखा कि बहुत कोटा में जो बच्चे जाते हैं वो 6-6 महीने 1-1 साल में अपने घर वापस आते हैं, फेस्टिवल्स में भी इंजॉय नहीं करना, इस तरह का माहौल हमेशा रहना चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का भी है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते रहें, उनको अगर वो अपनी मर्जी से वहाँ पर गए हैं किसी भी चीज़ की, IIT AIEEE किसी भी चीज़ के कोचिंग करने के लिए गए हैं तो पेरेंट्स को एक तरह से एक उन्हें खुला छोड़ दीजिए। आप बार बार ये कहने के बजाय कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, तुम्हें इतने परसेंट लाने हैं, तुम्हें एक बार में क्रैक करना है, आप उतना ही कर सकते हैं जितना आपकी बॉडी अलाउ करेगी, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप करना चाहेंगे। आप पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो चीज़ें खराब करेगा, ना कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ना कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं, अगर आप पर प्रेशर पड़ेगा तो चीज़ें खराब होंगी, मेरा ये मानना है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, जब बात पढ़ाई की होती है तो वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, कहीं वो बिहेवियर
उन पर प्रेशर तो नहीं बना रहा है, ये बहुत ज़रूरी है जानना और समझना। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखने की और ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।